परमात्मा वो तो सत्य है, उसका नाम सच्चा है, हर कोई उसका गुणगान करना चाहता है। वो समस्त भावों के ऊपर, समस्त सत्यों के ऊपर है। लोग उसका गुणगान करते हैं, लोग कहते हैं कि तू दीनानाथ है, दीन बंधु है, हे परमात्मा, हे दाता, हमारी मांगे पूरी कर दे, हमारी ज़िंदगी में दुख हैं वो दुख दूर कर दे। हम मांग करते हैं और वो परमात्मा हमारी मांगों को पूरा कर देता है। हम अपनी झोलियाँ फैलाते हैं और कहते हैं हे परमेश्वर, हमारी झोलियाँ खुशियों से भर दो, और वो ईश्वर हमारी हर बात सुनता है, हमारी मांग पर ध्यान देता है और हमारी मांगों को पूरा भी कर देता है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ जाती हैं, हमारी मांगे बढ़ती जाती हैं और वो देता चला जाता है। हम मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के आगे घुटने टेकते हैं और सोचते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो मांगे मांग रहे हैं, शायद इसके द्वारा ही हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। हमें लगता है कि मंदिर जाने का मतलब ही यही है कि हम उस ईश्वर से बात करें, हम उससे कुछ मांग लें। शायद ऐसे परमात्मा से जुड़ जाया जाता होगा, लोग सोचते हैं शायद जुड़ने का यही तरीका होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो। तुम्हारा मन मुझ में लीन हो, तुम्हारा मन वस्तुओं में लीन ना हो, तुम्हारा मन मुझ में लगे, मुझ परमात्मा में लगे, बुद्धि मुझ परमात्मा के लिए हो, जो तुम कार्य करो वो मुझे समर्पित करके करो, तब तुम मुझसे कनेक्ट होते हो। लोग संसार में रमे हुए हैं, एक तरह के लोग हैं जो संसार में ही रस प्राप्त करते हैं, उन्हें लगता है सब कुछ संसार ही है। परंतु कुछ विरले लोग होते हैं जो अमृत वेला में उठते हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसकी ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लेते हैं। कुछ होते हैं जो दार्शनिक बुद्धि के हैं, जो सिर्फ सत्य की चर्चा करना जानते हैं, जैसे सत्य के बारे में कुछ कह रहे हैं लेकिन उनकी बातें, उनके जो शब्द हैं वो सिर्फ बौद्धिक होते हैं, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो जाती है परंतु हृदय का कोई आदान प्रदान नहीं होता। कोई भी बात, कोई भी शब्द हार्दिक नहीं लगते। वो सिद्धांत की बात करते हैं, वो कभी भी संबंध की बात नहीं करते। परंतु दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं। वो परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उसे अपना पिता कहते हैं, उसे माता कहते हैं, उसे सखा कहते हैं। वो परमात्मा के लिए ही हो जाते हैं, वो अपने अहंकार को परमात्मा में ही लीन कर देते हैं। जो भक्त है वो कहता है कि तू ही सब कुछ है, और अहंकार कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए अहंकार वाला जो व्यक्ति होगा वो अपनी मैं में जिएगा कि मेरा सम्मान हो, लोग मुझे पूछें, लोग मेरे आसपास आएं, वो अपनी मैं में लीन रहता है। परंतु जो भक्त होता है वो हमेशा समर्पित बुद्धि वाला होता है, वो हमेशा धन्यवादी मिलेगा, वो हमेशा यही कहेगा मैं करने वाला कौन हूँ, मैं तो उपकरण हूँ, मैं निमित्त हूँ जिसके द्वारा परमात्मा अपने कार्य करवा लेता है। वो धन्यवादी होता है, वो कभी मांगता नहीं है बल्कि देने की भावना वाला होता है। देवता का मतलब क्या है? जो सिर्फ देता है। तो भक्त भी देवता जैसा बन जाता है, वो सिर्फ देने वाले भाव में रहता है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। Ta 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 ta
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।